490 BCE, पर्शियन एम्पायर के राजा डेरियस ने ग्रीस में आक्रमण कर लिया। ग्रीस का कैपिटल एथेंस, यहाँ मौजूद कई मंदिर और हजारों मूर्तियां नस्तानाबूद हो गए और आने वाले कई सदियों तक ग्रीस का बच्चा बच्चा पर्शियंस के खून का प्यासा हो गया। 356 BCE, मैसिडोनिया ग्रीस के छोटे से कस्बे में एक बेटे ने जन्म लिया। नहीं, कोई मामूली बेटा नहीं, भगवान का बेटा सिकंदर। 334 BCE, सिकंदर ने इस छोटे से तिनके से अपना राज्य बढ़ाया, अपने देश का बदला लिया, पूरे पर्शियन एम्पायर को तबाह कर दिया और अब विश्व का नक्शा कुछ ऐसा दिख रहा है। 326 BCE, सिकंदर भारत की सीमा पर खड़ा है। अगला निशाना है भारत, भारत माँ का धन। पर अचानक वो मुंह फेर के अपने देश मैसिडोनिया वापस लौट जाता है। ये सारे पहलू काफी नजदीकी से जुड़े हैं इतिहास के सबसे बड़े योद्धा अलेक्जेंडर को राजाओं का राजा, शहंशाह बनाने में, भगवान बनाने में। अलेक्जेंडर का जन्म 356 BCE में मैसिडोनिया के पहला शहर में हुआ। जन्म होते ही शहर के सभी लोग उसे ग्रीक भगवान जियूस का बच्चा मानने लगे और उसकी माँ ओलंपियास ने भी इसमें उनका कम साथ नहीं दिया। अब दुनिया के सभी पिताओं की तरह उनके पिता फिलिप II भी अपने बेटे को एक काबिल राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त ग्रीस में मौजूद सभी बेस्ट स्कॉलर्स के जरिए अलेक्जेंडर को ट्रेनिंग दिलवाई। इन सभी स्कॉलर्स में दुनिया के सबसे मशहूर फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी नाम शामिल है, जिन्होंने सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग में अलेक्जेंडर के अंदर सब्र, खुले विचार और कूटनीति की ऐसी समझ पैदा कर दी कि उसने अलेक्जेंडर के राजनीतिक गुणों को और भी ज्यादा तेज कर दिया। और इसकी पहली झलक मैसिडोनिया के लोगों को देखने मिली जब केवल 10 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने एक उत्तेजित घोड़े ब्यूसिफेलस को बड़ी आसानी से ट्रेन कर लिया। और इसके बाद केवल 18 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने अपने पिता के साथ मिलकर बैटल ऑफ चेरोनिया में हिस्सा ले लिया, जहां उन्होंने अपने सामर्थ्य से थीबिस और एथेंस के सेनाओं को मात दे दी। और ये अलेक्जेंडर के सफर का एक मुख्य मोड़ था। ये पहला समय था जब अलेक्जेंडर ने अपनी महानता का प्रदर्शन दिखाया हो। और इसके बाद जाहिर सी बात है, लोगों का उनमें मौजूद दिव्य विश्वास बढ़ता चला गया और इसी के साथ बढ़ता गया अलेक्जेंडर का अहंकार और पर्शियन साम्राज्य के प्रति नफरत। वहीं पर्शियन एम्पायर, जिसे दुनिया के नक्शे से मिटाने का सपना ग्रीस का हर बच्चा और उसके पिता ने देखा था, सो इसे हासिल करने के लिए अलेक्जेंडर ग्रीस में स्थित बाकी शहरों पर अपना रुतबा स्थापित करने लगा। और इसी दौरान उसने कई शहरों की आर्मी, वहां के नोबल्स, कमांडर्स, सबको मैसिडोनियन आर्मी के साथ मिलाते हुए अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर इन सभी लोगों की वफादारी अलेक्जेंडर की तरफ हो। ग्रीस के शहरों को एक करने के बाद सिकंदर पर्शिया के दक्षिणी हिस्से में मार्च करने लगा और इसी दौरान उसका सामना हुआ पर्शिया के पहली आर्मी से। एक ऐसी आर्मी जो साइज में सिकंदर की सेना से दुगुनी थी, लेकिन उसके बावजूद सिकंदर ने उन्हें मार गिराया सिर्फ अपनी युद्ध नीति और हिम्मत के बल पर। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी, जिस वजह से ये युद्ध सिकंदर की जीत की गाथाओं में बैटल ऑफ ग्रेनिशियस के नाम से अमर हो गया। और ऐसे ही राजाओं और उनकी सेना की अमर गाथाएं आपको इतिहास में मिलेगी, जिनके वर्णन को पढ़ने से ही आज के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हो, वो इंसान जो इतिहास से नहीं सीखता है, उसे इतिहास की गलतियों को दोहराना पड़ता है। पर ऐसी किताबें आज के जमाने में पढ़ता कौन है? हमारी अलमारियों में पड़ी होती है धूल से लथपथ। आज के जमाने में हमारे पास 10 पेज का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुकू FM ऐप, जहाँ स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स बल्कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए 1000+ आर्ट्स की एजुकेशनल कॉन्टेंट लाइब्रेरी है, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हो। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनराज अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस इज ऑन 50% ऑफ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डाउनलोड करो, यूज द कूपन कोड इंडिया, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ। आप यूज कर सकते हो ये प्रीमियम सर्विस 199 rupees में फॉर अ ईयर। सुनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही है इस रिपब्लिक डे का नारा। सो हरी नाउ, क्योंकि 29th ऑफ जान के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं है। इस युद्ध में अलेक्जेंडर को पर्शियन आर्मी की ताकत की एक छोटी सी झलक देखने को मिली, जिसके बाद उसने अपने मिलिट्री स्किल्स और कुटिल बुद्धि के इस्तेमाल से इस युद्ध में जीत अपने नाम की। इतनी बड़ी सेना से खुद की छोटी सेना होने के बावजूद सिर्फ अपनी बेहतर वॉर स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस की मदद से इस जीत के बाद अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया और जहां वो नहीं पहुंच पाया था उन शहरों ने खुद ही उसके सामने सरेंडर कर लिया। पर पर्शिया के एक हिस्से को अपने कब्जे में लेने के बाद भी उसने वहां के कल्चर को कभी खत्म नहीं किया।
बल्कि उसने सभी पर्शियन कमांडर्स, लीडर्स और गवर्नर्स को उनकी ईमानदारी के बदले उन्हें अपने इच्छा अनुसार रहने की आजादी दी। इससे हुआ ये कि एरिस्टोटल की बिना जबरदस्ती किए दिल जीतने वाली सीख को अपनाते हुए अलेक्जेंडर कई सारे लोगों का दिल जीत चुका था, और इसे अलेक्जेंडर की कूटनीति और चालाकी ही कहेंगे कि जंग लड़ने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली और पर्शियन एम्पायर के सभी दक्षिणी हिस्सों को मैसेडोनिया के कंट्रोल में ला दिया। पर कहते हैं ना, शेर की प्यास पानी से नहीं बुझ सकती, और अलेक्जेंडर का मकसद तो पहले से ही पर्शियन आर्मी का विनाश था। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अपनी सेना के साथ पर्शियन आर्मी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसका सामना अब तक की सबसे बड़ी पर्शियन आर्मी से हुआ। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने एम्पायर को इतना बढ़ाने के बाद भी ये पर्शियन आर्मी अलेक्जेंडर के आर्मी से बहुत बड़ी थी। अलेक्जेंडर की आर्मी में थे सिर्फ 47,000 लोग, और वहीं पर पर्शियन आर्मी में 1,00,000 से भी ज्यादा लोग थे। लेकिन पर्शिया के राजा डेरियस III अलेक्जेंडर की चालबाजियों से भली भांति वाकिफ थे, और इसीलिए उन्होंने अलेक्जेंडर से होने वाले घमासान में ज्यादा सेना के होते हुए भी उन्हें सतर्क रहकर युद्ध करने की सलाह दी। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी डेरियस अपनी सेना को अलेक्जेंडर से बचा नहीं पाए, क्योंकि जब इन दोनों राजाओं के बीच गौगमेला में जंग शुरू हुई, तब रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर ने पर्शियन सेना को पहले अपनी सेना पर हमला करने दिया ताकि ग्रीक आर्मी पीछे हट जाए, और फिर ग्रीक आर्मी के पीछे हटते ही जैसे ही पर्शियन आर्मी जीतने की लालसा से युद्ध भूमि के बीच में आए, वैसे ही वहां बने गैप के जरिए अलेक्जेंडर ने अपने काफिले को पर्शियन आर्मी के पीछे भेजकर वहां तबाही मचा दी। एज अ रिजल्ट, जब डरा सहमा डेरियस वहां से भागने लगा, तब उसके ही कमांडर ने उसकी हत्या कर दी। ये जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एक ऐसा जंग है जिसने अलेक्जेंडर की किस्मत की काया पलट दी, क्योंकि इस युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया था, और साफ और स्पष्ट रूप से भगवान का बेटा कहे जाने वाला अलेक्जेंडर महज 25 साल की उम्र में एशिया का मास्टर बन गया था। इतना ही नहीं, अब उनका साम्राज्य भी सिर्फ मैसेडोनिया तक सीमित नहीं रह गया था, वो अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। पर अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दो वॉर्स और उसमें इस्तेमाल की गई वॉर स्ट्रेटेजीज ही अलेक्जेंडर को ग्रेट बनाती है? हम कहते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वेल, नहीं, क्योंकि गौगमेला में मिली जीत के बाद अलेक्जेंडर ने सभी पर्शियन गवर्नर्स, मिलिट्री कमांडर्स और आम जनता का दिल जीतकर उनसे ग्रेट रिलेशंस बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने पर्शिया में ग्रीक कल्चर, कानून और रिलीजियन कुछ भी जबरदस्ती लागू नहीं किया, उल्टा वो खुद उनके तीज त्योहार मनाने लगे। इतना ही नहीं, उसने किसी भी गवर्नर और ऑफिसर को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने दुश्मन डेरियस की बेटी से शादी भी कर ली, जिसके बदले में उसे एरिस्टोटल के सीख अनुसार लोगों की ईमानदारी और अपनापन मिला। पर अलेक्जेंडर कुटिल बुद्धि वाला इंसान था, वो जानता था जब तक लोगों का अच्छा भला फायदा नहीं होगा वो उसे तब तक अपना राजा नहीं मानेंगे, और इसीलिए युद्ध के बाद जब पर्शिया की तिजोरियां खुली तब मौके का फायदा उठाते हुए उसने सारी धन संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। इससे पूरे साम्राज्य में ना सिर्फ अलेक्जेंडर की जय जयकार हुई बल्कि वहां पर धन संपत्ति और व्यापार भी बढ़ा। लेकिन सफलता की राह में पीठ में खंजर अपने ही मारते हैं, ये बात सिर्फ किताबी नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर के इन स्ट्रेटजीज ने चाहे पर्शियंस को खुश कर दिया हो, पर इससे उसकी ही सेना और कमांडर्स नाराज थे, और वो सभी मिलकर अलेक्जेंडर के ही खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। पर अलेक्जेंडर ने कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, वो अपनी सफलता को रहकर इतने चौकन्ने रहते थे कि जैसे ही उन्हें अपने साथ होने वाले षड्यंत्र का पता चला, उन्होंने फौरन उस शख्स की हत्या कर दी। और ये बात और है कि जीत का नशा इंसान को किसी भी हालत में रुकने नहीं देता, और इसी नशे की लत अलेक्जेंडर को भी लग चुकी थी। तभी तो अपने लोगों से धोखा खाने के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि पर्शियन आर्मी के बाद उनकी नजर ईस्टर्न बॉर्डर्स के पार इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पड़ी, जिसकी वजह थी इंडिया की नेचुरल वेल्थ। और इंडिया के इसी वेल्थ पर कब्जा जमाने के लिए अलेक्जेंडर की सेना खाइबर पास को पार करते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक पहुंच गई, जहां उनका सामना हुआ पौरव राज्य से, जो आज का पाकिस्तान है, वहां के राजा पोरस से, जो किसी भी कीमत पे अलेक्जेंडर को भारत की भूमि में अपना राज्य स्थापित नहीं करने देना चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग अलेक्जेंडर की सेना के लिए अब तक की सबसे ज्यादा लंबी, मुश्किल और खतरनाक जंग थी, क्योंकि दुनिया के बाकी राजाओं ने अलेक्जेंडर की कुटिल बुद्धि के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, लेकिन वहीं पोरस
महीनों बाद भी हार मानने के लिए राजी नहीं था। हालांकि राजा की कड़ी मशक्कत के बाद भी उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन उनकी युद्ध कला और उनके जज्बे ने अलेक्जेंडर को काफी प्रभावित किया, जिसके बाद उसने खुद पोरस को ना सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राज करने दिया बल्कि भेंट स्वरूप उसने और ज्यादा राज्य भी दे दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस राजा को दुनिया में कोई हरा नहीं पाया उसकी मौत 32 इयर्स की कम उम्र में हो गई, किंतु मरने के बाद भी उनका शरीर मानो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए तो मरने के 6 दिन बाद भी उनकी बॉडी डीकम्पोज नहीं हो रही थी। दरअसल जून 323 BCE में अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचे थे, जहां 10 दिनों के बुखार के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके शरीर को जब दफनाया गया तब उनकी बॉडी 6 दिनों तक डीकम्पोज नहीं हुई। हालांकि अगर इस पर मॉडर्न रिसर्चर्स की माने तो अलेक्जेंडर को स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई होगी, उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई होगी और उनका सांस लेना लगभग ना के बराबर हो गया होगा। और क्योंकि तभी के वैद्य दिल की धड़कन की जगह सांसों को चेक करते थे, और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने अलेक्जेंडर को समय से पहले ही मृत घोषित कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर अलेक्जेंडर कुछ साल और जी जाते तो पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य न जाने कहां कहां तक फैला होता। चाहे कम उम्र में मरने की वजह से अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाए हो, लेकिन इससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि सिर्फ उसी के वजह से ग्रीक संस्कृति की झलक हमें प्राचीन काल के हर हिस्से में देखने को मिलती है। यही नहीं, उनकी मौत के बाद उनका साम्राज्य भले ही खत्म हो गया था, लेकिन अगले 200 सालों तक इंडो ग्रीक किंगडम्स के जरिए ग्रीक इन्फ्लुएंस बरकरार रहा, जिसे हेलेनिस्टिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वजह से ग्रीक भाषा भी मैसेडोनिया से 22,000 माइल्स की दूरी तय करते हुए इंडिया तक पहुंच पाई, और साथ ही इंडिया में किए गए उसके हमले के बाद ही सेंट्रल एशिया और वेस्ट के बीच ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश हो पाए। इसके अलावा आज दुनिया में कम से कम 50 सिटीज अलेक्जेंडर के नाम पर है, और इनमें से कई सिटीज की स्थापना खुद अलेक्जेंडर ने की थी, जहां आज लाखों में लोग रहते हैं। और सिर्फ सिटीज ही नहीं, उसने जाते जाते लोगों को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स भी दी, जिसे आज कई मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया भी जाता है। अगर हिस्टोरियंस की माने तो अलेक्जेंडर इतिहास के उन लोगों में से थे जिनका जिक्र सैकड़ों भाषाओं और कल्चर्स में किया गया है, जैसे कि पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, रोमन एटसेट्रा। इतना ही नहीं, हिंदी का फेमस एक्सप्रेशन जो जीता वही सिकंदर, इसमें भी सिकंदर का मतलब कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है। And with that said, let's end this great video. All our friends, जाने से पहले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। यूज द कूपन कोड इंडिया, सो गो हरी नाउ। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देख के अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाओ। As always, friends, stay curious, keep learning, keep growing. जय हिंद।